हेलो दोस्तों, हमने पिछली वाली वीडियो में जो आपका कंप्लीट किया था वो ये था आपका थीम स्पेस सेट पे सेटअप। आपने अभी 5-8 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं हमने इसके, और नेक्स्ट चैप्टर ये चैप्टर नंबर 9 है जो कि आपको चलेगा। इसके टू फिट सिलेक्शन ऑप्शंस और ये सारी चीज़ सिखाई जाएंगी इसमें आपका। तो आपको वीडियो में कोई भी कमेंट कर देना, जो भी आपको प्रॉब्लम आए सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। आपको ईमेल आईडी दी गई है, आप वहाँ भी कर सकते हो। आपने स्केच टू फिट पे क्लिक करना है। देखो यहाँ क्या होता है, आपने ऐसे कम करेंगे, ये जो कट रहा है, ये लाइन जो कट रही है, जैसे मैं नॉर्मल करूँगा, ऐसे व्यू में आया, नॉर्मल किया, इतनी लाइन कट रही है, तो हमारा वर्क जो है कंट्रोल एफ टू करने से इतना वर्क नहीं आएगा, नहीं आया ना। आपको आपको फिट करना है स्केच अपना, तो वो यहाँ से क्लिक करेंगे, आपका स्केच जो है फिट कर लेंगे। ये अभी भी देखो यहाँ से अभी नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे व्यू में आएंगे, पेज ब्रेक करेंगे और ये क्लिक करके इस लाइन को हटा लेंगे ऐसे करके। तो इस टाइप से अपना नॉर्मल करेंगे, हो जाएगा ये हमारा यूज पेज सेटअप में। यहाँ से हो जाता है बट हो नहीं रहा है यहाँ से। देखो ये लाइन आ रही है, देखो ये लाइन आ गई, ये लाइन थी वो स्केल्स वाली जो कि वापस आई है। मैं इसी की बात कर रहा था आपसे थोड़े पहले। अगर ये लाइन इतनी देखो यहाँ से इतने कट रहा है ना वर्क, तो कंट्रोल एफ टू करोगे आप, देखोगे यहाँ से इतना वर्क कट रहा है आपका और आपको चाहिए कंप्लीट, तो आप स्केल्स पे डाउन करना है इसे। तो ये लाइन हटने से क्या होगा कि आपका जो वर्क है कंप्लीट दिखाई देगा प्रिंट होने में, तो आप प्रिंट पूरे निकाल लोगे। ये हाइट और विड्थ है, ये भी यही काम करते हैं इन्हें हटाने का। जैसे हमने दिया यहाँ पे 1 पेज, थोड़ा इन्हें एडजस्ट कर देंगे इन्हें थोड़ा, 3 पेज, जितने भी पेज इसके ऊपर, देखो यहाँ पर एडजस्ट हो गया ना कि 3 पेज तक का मैं वर्क जो करूँगा वहाँ पे ये लेयर जो लाइन आ रही थी लाइन नहीं आएगी अब, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका व्यू। व्यू में क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपका यहाँ से जाल हट जाता है, जिसे ग्रेड लाइन भी बोलते हैं। आपने ABCD123 दिख रही है यहाँ पे, व्यू पे क्लिक करेंगे हेडिंग, तो आपके हेडिंग भी हट जाएंगी, 1, 2, 3 वाली हमारे हट गई हैं। अब जब यहाँ क्लिक करेंगे इन पे दोबारा से आ जाएंगे, ये आपका सीट ऑप्शन था, अब प्रिंट आ गया। प्रिंट ये दोनों प्रिंट हैं, ये किस काम आते हैं दिखाता हूँ आपको। मैं कंट्रोल एफ टू करूँगा, प्रिंट वाला ऑप्शन किया मैंने, देखो मेरा ना तो यहाँ रॉ आ रहा है ना ही कॉलम आ रहा है। आपको यहाँ रॉ कॉलम चाहिए और ग्रेड लाइन चाहिए, तो कम्प्लीटली कुछ नहीं करना है, अपना क्लोज प्रिंट कीजिए। आप यहाँ ग्रेड लाइन और हेडिंग है, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ग्रेड लाइन, अब आएंगे यहाँ जाल आएंगे, कंट्रोल एफ टू करेंगे, देखो जाल दिखाई दे रहे हैं। अपने हेडिंग के अंदर आप प्रिंट में करेंगे दोबारा क्लिक, तो ABCD123 दिखाई देंगी। यहाँ कंट्रोल एफ टू करने पे यहाँ दिखाई देंगी, शो हो रही है देखो मेरी, प्रिंट टू फॉन्ट सेंड टू बैक। इससे क्या होता है, पेज ऊपर नीचे किया जाता है, जैसे कि आपने देखो तो सेव ले लिया हमने, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट सेव तो ये हो गया, एक सेव और ले ले रहा हूँ मैं इंसर्ट में आके, और सेव में आऊँगा और एक सेव ले लिया मैंने, तो एक सेव ले लिया मैंने, 2 सेव ले लिए। आप पेज सेटअप में क्या करोगे, अब पेज सेटअप में आपको दोबारा जाना है और आपने सेंड टू बैक करना है, पीछे वाली पीछे देखो आगे आ गई, और सेंड टू बैक उल्टा, पीछे वाली आगे, आगे वाली पीछे हो जाएगी। इसी से सिलेक्शन पैन, इसे क्या होता है आपका सिलेक्शन पैन से, आपने जो भी वर्क किया है, आपने जो भी वर्क किया है अरेंज के अंदर, आप उसे आई क्लोज करने से, उन्हें छुपा लोगे क्लिक करने से, वो वापस आ जाएंगे। जैसे कि मेरा वर्क वापस आ चुका है। अरेंज के अंदर बात आता है एलिगन। एलिगन में क्या होता है आपका, ये यही काम ऐसे करते हैं। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, एलिगन में आया, व्यू जाल हट गया मेरा, क्लिक करें जाल आ जाएगा। ये जो ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे हैं ये वाले ऑप्शन, एलिगन राइट लेफ्ट लेफ्ट सेंटर, इसलिए क्योंकि ये इसी काम से टॉप बॉटम ऊपर नीचे ग्राफ को रखने का काम करते हैं, बट ये ओपन नहीं हो रहा है फिलहाल। ये शायद देख कर पे लेआउट में करेंगे, अब देखेंगे शायद, देखो अब भी ओपन नहीं हो रहा है, छोड़ो। इसके अलावा ग्रुप है, ग्रुप नहीं करना है आपको, रोटेट करना है। रोटेट में क्या होता है आपका, आपने जो भी वर्क किया है, मैंने ये सेल्स वाला वर्क किया है, जब मैं रोटेट में आऊँगा तो रोटेट करने से मैं इसे घुमा लूँगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। देखिए आपको जो भी, ये वीडियो यहीं पे थी, ये पेज लेआउट था। अब पेज लेआउट पर नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी फॉर्मूला। मैं नेक्स्ट वीडियो की फॉर्मूला जो बनाऊंगा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो,
आपको थोड़ा समझ में आया हो कि मैंने क्या सिखाया आपको, तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।